सो गाइस देखो अपने को भैया लोग मिले हैं, अपन अपन घूम रहे थे ना, जैसे भैया लोग भी साथ में घूम रहे थे। गाइस चेक करो अभी तुम्हारा भाई व्हाइट टाइगर देखने आया। देखो सामने व्हाइट टाइगर, जो कि ना इंडिया में छोड़ो वर्ल्ड में ही काफी ज्यादा। यही घोड़ा दिखा रहा हूँ भाई, सॉरी हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा। देखो भाई कितना खतरनाक दिख रहा है। सो गाइस ये चेक करो, ये पक्षी वगैरह रहे अंदर में, सांप वगैरह रहे, समझ रहे हो ना इधर। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई पूरा करोल, अबे क्या नाम था जगह में, तुम्हारा भाई आ चुका है अभी मेट्रो के अंदर, समझ रहे हो ना। अभी हम लोग लिखे हैं, क्या नाम है, कहाँ के टिकट लिए थे भाई अपन? चार बार स्टेशन मेरे को तगड़ी लगी, लखनऊ की भी मेन रेलवे स्टेशन है भाई, लखनऊ की वाली मेन रेलवे स्टेशन है ना। देखो लिखा है गाइस, चेक करो इस मोटे आदमी को, थोड़े दूर जाने यहाँ 400 मीटर जाने के लिए ऑटो ढूंढ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ रहा है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है मैं स्ट्रग ब्लॉग में। सो गाइस कैसे हो सारे के सारे, आई होप सारे ठीक ही हो गए। सो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, और ना समझ रहा हूँ अभी जस्ट नहा के आए, चेक करो लगीन भी बढ़िया नहा धोवा के रेडी है, और मैं भी जस्ट नहा के आया अभी। तो हम लोग जगदलपुर से निकले हैं, तो आज काला क्यों आ रहा हूँ इतना मैं? अच्छा सो गाइस अभी इतना काला इसलिए आ रहा हूँ, मैं तो एकदम से चौंक गया, काला टी शर्ट और काली ये तुम्हारा भाई का थोड़ा सा ये ना समझ रहा हो ना, चॉकलेटी कलर का शक्ल बीच में ना मैच हो जा रहा है। सो गाइस अभी ना हम लोग रेडी होके गाड़ी से निकल चुके हैं मेट्रो घूमने के लिए, लखनऊ शहर आए हैं, पता नहीं कभी आने का मौका मिले या ना मिले, समझ रहे हो, आए हैं तो पूरा लखनऊ घूम लेते हैं। लखनऊ में मेट्रो सिटी वगैरह एक दो जगह काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह लोकेशन अपने को पता चला है, जो कि यहाँ के लोकल ग्रामीण लोगों से पता चला है, मतलब लोकल लोगों के यहाँ से पता चला है। तो आज अपनी गाड़ी वैसे भी लोड होने वाली नहीं थी, तो एक अपने वीर जी जा रहे थे, समझ रहे हो, तो इनको अपन रुकाए, ऑटो चलाते हैं यहाँ पे, इनके ऑटो में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं अपन मेट्रो, मेट्रो में बैठेंगे, वहाँ से फिर पूरा लखनऊ घूमेंगे, समझ रहे हो ना। जितना मेट्रो लखनऊ में घूमती है ना, पूरा लखनऊ घूम के उसके बाद रिटर्न आएंगे, क्योंकि आज तो अपने को लोडिंग वगैरह मिलने वाला है नहीं, तो फालतू गाड़ी में बैठने से बढ़िया भाई लखनऊ घूम लो, लखनऊ से बढ़िया कोई शहर ही नहीं है घूमने के लिए भाई। वैसे गाइस अभी तुम्हारा भाई पहुंच चुका है मेट्रो स्टेशन, समझ रहे हो ना, मेट्रो में तुम्हारा भाई फर्स्ट टाइम बैठने वाला है, एक टाइम ना और भी गया था ना, बट ना मेट्रो में बैठ नहीं पाया था। बाकी ना पर चेक आउट गाइस मेट्रो स्टेशन, समझ रहे हो ना, इसके ऊपर से मेट्रो जाती है ना भाई, इसके ऊपर से जाती है ना। बाकी चेक करो गाइस, इन लोगों ने ना मेरे को बिरयानी खिलाया ना 20 वाली, तो ये और ये दोनों पेमेंट दिए। अभी ना ऑटो में बैठ गया ना, ऑटो वाला भी पैसा इन लोगों ने मेरे से 10-10 रुपया लिए। अभी इन लोग क्या हो रहे हैं, ये भाई के पास में ना जूस दिए ना, भाई का बिल पटा था, अबे बिल पटवाओगे मेरे से, सालो सालो बिक जाओगे, ब्लॉगर से यूट्यूबर से पंगा ले रहे हो सालो। तुम्हारा भाई आ चुका है अभी मेट्रो के अंदर, समझ रहे हो ना। अभी हम लोग लिखे हैं, क्या नाम है, कहाँ के टिकट लिए थे भाई अपन? चार बाग का टिकट लिए थे, सबसे पहले चार बाग घूमने जा रहे हैं। अगली क्या है, तुमको भी पता है ना कि अपने को आज पूरा टाइम है, कल भी टाइम था, अगली कल अपने को पता नहीं चल पाया, अपना जो भी पार्टी वाला था ना काफी ज्यादा लेट बताया, समझ रहे हो ना। शाम को बताया ना भाई, जब अपन गए थे घूमने के लिए, तो ना आज पार्टी वाला अपने को सुबह बता दिया कि भाई आज तुम्हारे पास पूरा टाइम है, पूरे शहर में जाके घूमो, जो करना है वो करो, सीधा कल सुबह मेरे को मिलो यहीं पे। तो तुम्हारा भाई अभी निकल चुका है लखनऊ सिटी घूमने, समझ रहे हो ना, लखनऊ काफी तगड़ा, मैं अपने दोस्तों के मुझे काफी बार सुना हूँ लखनऊ के बारे में, समझ रहे हो ना। और वैसे भी जब लखनऊ सिटी में मैं एंटर कर रहा था ना, तो बाहर से मेरे को काफी तगड़ा लग रहा था, एक नंबर सिटी लखनऊ लगता है ना, मेरे को सामने दूसरी स्टेशन आ गया, बट ना मैं यहाँ पे पता नहीं मेरे को थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तू मेरे को सबसे पहले से देख के आता है, तो गाइस देखो ये हरामी मेरा भाई मेरा, समझ रहे हो ना, कॉन्फिडेंस खराब कर रहा है, समझ रहे हो, क्यों करता है, क्या मिलता है तेरे को करके, ये क्या मिलता है तेरे को करके, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं, बल्कि मोटिवेट करना, क्या कर रहा है तू मेरे को देख के, जब मैं अपना कंटेंट बनाता हूँ तो ये मेरे को देख के हंसने लगता है, समझ रहा हूँ। अभी तुम्हारा भाई मेट्रो से नीचे उतर चुका है, समझ रहा ना, तुम्हारे भाई का मेट्रो से नीचे उतरने का मन तो नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाई को उतरना पड़ा गाइस, समझ रहा ना। तो गाइस क्या हुआ ना, अपन चार बार घूमने के लिए आए थे, समझ रहा ना, घूमने के लिए आए थे तो चलते हैं घूमने के लिए, वैसे गाड़ी से तो उतरने का मन नहीं कर रहा था और आगे जाने का मन कर रहा था, बट ऐसा हुआ ना अपने साथ पता है, क्योंकि अपने को जो ये वाली जगह है ना, अपन पहले से डिसाइड कर चुके थे कि यहाँ पे अपने को घूमने जाना है, यहाँ पे काफ़ी तगड़ी जगह है, ले चल के दिखाता हूँ। बाकी यहाँ टाउन और मार्केट वार्केट अभी तुम्हारा भाई पूरा करोल बाग, अबे क्या नाम था जगह का, चार बाग नाम है ना भाई, अगली बार बार जगह का नाम भूल जा रहा है ना। तो भाई अभी चार बाग पूरा तुम्हारा भाई घूम चुका है, अभी ऑटो हम बुक कर रहे हैं, कहाँ जाने का भाई, भाई तो अपन ना ऑटो वाले भैया से बात कर रहे हैं, पता है कहाँ जानी है कहाँ नहीं जानी है, भाई पूछ रहे हैं कौन सी बढ़िया जगह है, उसके बाद तुम्हारा भाई जाएगा घूमने के लिए। बाकी देखो चार बाग में कितना भीड़ है, ये ऊपर वाली जो लाइन जाती है ना, ये मेट्रो वाली है पता है, इसमें ना तुम्हारा भाई अभी जाएगा, कब, जब घूम लेगा करोल बाग पूरा घूम लेगा तब जाएगा। बाकी भाई तुम करते नहीं हो यार, गाइस तुम्हारा भाई अभी मेट्रो से उतर के नीचे आ चुका है, चेक करो ये रहा जा गई भाई, आगे रेलवे स्टेशन है भाई ये वाली, भाई मोटा अंकित हाथी रेलवे स्टेशन है भाई ये वाली,
देख रहे हो ना, वो जबरदस्ती का अपने आपको ऐसे दिखा रहा है कि उसके शरीर में काफी ज्यादा एनर्जी है, ताकि वो स्पीड स्पीड से चल जा रहा है, लेकिन ना उसको 50 सीढ़ी चढ़ना हो स्पीड में ना, समझ रहे हो ना। अभी चेक करो भाई, क्या तगड़ा लग रहा है। ये वाली रेलवे स्टेशन मेरे को तगड़ी लगी, लखनऊ की भी मेन रेलवे स्टेशन है भाई, लखनऊ की ये वाली मेन रेलवे स्टेशन है ना। देखो लिखा भी है, लखनऊ आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। बाकी चेक आउट गाइस, कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और एक जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ तुमको, काफ़ी तगड़ी चीज़ है, जो कि पहले कोयला से चलती थी ना जो ट्रेनें, उसका एक सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि हर जगह नहीं मिलता, हमारे रायपुर में प्रश्नली नहीं है भाई। बाकी यहाँ पे पड़ी हुई ये देखो, ये जो है ना रियल वाली है, ये कोई फेक वाली नहीं है। ये देखो पहले की ट्रेन है, इसकी चक्का जो दिख रही है ना ऐसी, इसकी टायर ऐसी हुआ करती थी। अंदर जाने का ना रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं अच्छे से दिखाता। बाकी ये कोयला से चलने वाली है, पूरी सही कंडीशन में भी पड़ी हुई है, मतलब इसमें अभी भी तुम कोयला डालोगे तो ये अभी भी चलेगी इस कंडीशन में। मतलब ये ज़्यादा तो नहीं, खाली एक इंजन ही इंजन है, समझ रहे हो। इसके पीछे एक और इंजन रहती है, वो वाली अभी नहीं जुड़ी हुई है, बस इसको ना पब्लिक को दिखा। सो गाइस, एक क्लियर, क्या है जगह का नाम, क्या है भाई, करोल बाग, चार बाग, क्या भैया जगह का नाम क्या है वाली, चार बाग। तो गाइस हम लोग चार बाग आए थे, समझ रहे हो ना, मेट्रो से घूमने के लिए, लेकिन ना स्टेशन इस पार घूमते घूमते आ गए। बट गाइस चेक करो इस मोटे आदमी को, थोड़े दूर जाने यहाँ 400 मीटर जाने के लिए ऑटो ढूंढ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। और यार तो गाइस देखो, मेरे को वीडियो बनाने, तो गाइस यहाँ से 400 मीटर जाने के लिए ऑटो तो नहीं लगता मेरे को, कम से कम 20-30 सीढ़ी चढ़ने के लिए ऑटो तो नहीं लगता है। इधर जाता हूँ गाइस, मेरा नुकसान कर देगा मोटा बड़ा वाला। तो गाइस मैं इसको सिकंजी पीने बोल रहा हूँ कि भाई सिकंजी पी ले, थोड़ी सी शरीर में एनर्जी वगैरह आएगी तो सीढ़ी चढ़ जाएगा, क्यों भाई लद्देन। लेकिन ये ऑटो ढूंढ रहा है अंकित भाई ना, मेरा शरबत पानी जो भी है नींबू पानी गिराया, मेरा नुकसान हुआ, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कैमरा पकड़ भाई, दौड़ रे, देखो भाई अंदर में बचने के लिए मोटा उधर भाग रहा है, आ बाहर, तू मेरा नींबू पानी इतना गिराया है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं जिंदा, आ जा तू बाहर मोटा। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई जा रहा है चिड़ियाघर घूमने के लिए, जू जा रहा है, जू यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3.6 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर यहाँ से। तो अपन बढ़िया ऑटो वाले भैया को मस्त लेके जा रहे हैं, ऑटो वाले भैया देखे यहाँ से जू चल रहे हैं। तो चार, क्या नाम है भाई ये जगह का, बाहर चार मीनार नहीं, चार बाजार, क्या नाम है भाई, चार बाग। तो भाई अभी ये जगह का नाम चार बाग है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, पर तुम एडजस्ट करना समझ रहे हो। बाकी ये देखो काफी यहाँ पे भीड़ है, देख लो काफी तगड़ा जगह है लखनऊ, घूमने में भाई मजा आ रहा है। हम लोग ना एक एक रुपया अपना वसूल कर रहे हैं लखनऊ में, ये अपना सेठ भाई, ये अपना मोहन भाई, ये अपना क्या कर रहे हैं। सो अभी तुम्हारा भाई जू के अंदर आ चुका है, टिकट विकट लेके आ चुका है। और एक बड़ी अच्छी चीज हुई कि भाई हम लोग आते आते ना थक गए थे, तो यहाँ पे ना यहाँ के लोग ने गाड़ी का पूरा व्यवस्था है, यहाँ पे आप टिकट लेके गाड़ी को बुक करके ना घूम सकते हो यहाँ पे। बाकी चेक करो ये वाली गाड़ी हमने ले रखी है, जो की काफी अच्छी है, पूरा जू घूमते हैं, साइड में डियर है, सारे डियर ही डियर है आगे तक। सो ये भैया बता रहे, डियर मतलब क्या होता है भैया, हिरन, हिरन वाइट डियर, सलमान खान ने जो मारा था ब्लैक बक, काला हिरन, जिसके लिए लॉरेंस बिश्नोई उसको ढूंढ रहा है आज तक मारने के लिए सामने। अच्छा तो ठीक है भैया, क्यों ढूंढ रहा है उसको, क्यों लॉरेंस बिश्नोई ढूंढ रहा है बस मारने के लिए, तो ढूंढ रहा है उतना नहीं पता डिटेल। हाँ क्योंकि तुम्हारा भाई फाइनली आ चुका है, जो चीज़ देखने आता, सामने में टाइगर रहता है, इस साइड में बियर रहता है, भालू मतलब समझ लो ना। तो एक शेर दूसरे शेर से मिलने जा रहा है, बाकी साथ में गीदड़ भी पीछे पीछे आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चलो चलेगा, समझ रहे हो। बट तुम्हारा भाई समझ लो ना अलग चीज़, अबे शेर दिख रहा है भाई, खूब बड़ा है भाई, अबे खूब बड़ा है भाई, मुंडी कितना बड़ा दिख रहा है उसका, एक सेकंड रुक जा मैं देख। सो गाइस चेक करो वहाँ पे शेर, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, पर अपने को दिख रहा है। गोप्रो का ना क्या यही है भाई, क्वालिटी तो काफी बेस्ट रहता है, पर ज्यादा दूर की चीजें को ना कैप्चर नहीं कर पाता, मतलब यही अपना 500 मीटर तक का, मतलब 500 मीटर भी काफी ज्यादा बोल दिया। अरे भैया इधर भी है, अरे थैंक यू सो मच भैया मेरा कॉन्टेंट बनवाने के लिए। हेलो गाइस, अरे यार भाई हट ना रे। हेलो शेर जी, हेलो, हमारे पास एक फालतू आदमी पड़ा हुआ है, कहाँ गया मोटा, आपका पेट भी भर जाएगा, भिजवा दूँ क्या इसको डिनर में आपके। सो गाइस सामने देखो शेर कितना शांति से बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना, मुंडी देखो कितना बड़ा है गाइस उसका, समझ रहे हो ना, मतलब रियल में, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम रियल में, मतलब जो लाइव देख रहा हूँ ना वो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इससे पहले ना फोटो वीडियोस में मूवी वगैरह में देखा था, बट मैं स्पेशली इसी चीज़ को देखने आता। बाकी भालू भालू तो हमारे हमारा जो घर है एरिया है वो भालू वाला एरिया है, और इधर भालू भी है। हेलो भैया, क्या हाल चाल है भैया, ठीक है ठीक। आप भी घूमने आए हो, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है भैया, एमएसट्रक ब्लॉग। अभी तुम्हारा भाई जा रहा है मछली देखने, रंग बिरंगी मछली देखने, मैंने भैया को मना किया, दो मुंडी है भाई, दो मुंडी है,
इतना बढ़ा दे तू। अबे वो सत्तर सत्तर मुर्गे बे, तू कुछ भी बता दे रहा है, समझ रहा है, भटका रहा है। सो गाइस चेक करो यार, मछलियाँ घर में आ चुके हैं, यहाँ पे कितना तगड़ा तगड़ा मछली है, रंग बिरंगी मछलियाँ है। चलो मैं दिखाता हूँ, मैं तो वैसे काफ़ी सारी मछलियों को पहचानता भी होंगे। ये देखो ये कौन सी वाली है, यहाँ पे देखो इसकी नाम भी लिखी है, कॉमन गोल्ड, समझ रहे हो ना, ये कॉमन गोल्ड है। और ये वाली है, ये है टाइगर ब्राउन, ये वाली टाइगर ब्राउन है, टाइगर ब्राउन है, टाइगर ब्राउन। ये वाली कौन सी है गाइस, नेवरा डेनियो, समझ रहे हो ना। ये वैसे काफ़ी छोटी छोटी रहती है, इनकी साइज यही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, इनको तो मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ जी। सो गाइस अभी ना यहाँ हिरन वाला जोन चल रहा है, समझ लो ना, देखो वहाँ पे सामने बैठे हुए, पता नहीं मेरे गोप्रो में दिख रहा है कि नहीं, बट मेरे को रियली में यहाँ से दिख रहा है भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे हिरन है, बस आगे में जस्ट शेर आने वाला है, समझ लो। मैं इंग्लिश में नहीं, मतलब मैं जानवरों का नाम ना भाई एकदम शुद्ध देसी में ले रहा हूँ, क्योंकि तुमको समझ आया भाई, समझ रहा ना। तो आगे शेर वगैरह रहने वाले हैं, समझ रहा हूँ, वहाँ पे भैया ने बोला है कि दो मिनट रोकेंगे, और भैया चाल चाल सब बढ़ गया भाई, बोल दे हेलो, भैया लोग ने काफी अच्छे है, समझ रहे हो ना, भैया लोग काफी अच्छे से राइड करा रहे हैं, तुम आओ तो भैया को पहचान लो, भैया को ले सकते हो। 200 भाई क्या है, बंदर मंकी, ये काला वाला, अच्छा वो वाली बंदर है, वो जो वो मूवी वूवी में दिखता है कभी, वरना काफी तगड़ा है। तो गाइस वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक अलग वाली मंकी है, समझ रहे हो। चलो भैया ये वाली ज्यादा खास नहीं, आगे तो गाइस एक चीज और है, एक चीज थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, ठीक है, मेरे GoPro का ना बैटरी काफी ज्यादा कम चार्ज है। गाइस देखो अपने को भैया लोग मिले हैं, अपन घूम रहे थे ना, जैसे भैया लोग भी साथ में घूम रहे थे, तो अपना अच्छा खासा बातचीत और पहचान हो गया, भैया से मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा लिया, समझ रहे ना, एक एक सब्सक्राइबर तुम्हारा भाई बढ़वा रहा है। हेलो भैया, आप लोग भी घूमने आए हो भैया, कहाँ से आए हो भैया आप लोग? हम लोग आ रहे हैं जौनपुर। अच्छा जौनपुर से, हम लोग भी भैया छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से अभी ना बहुत दो तीन जगह घूम लिए हम लोग, जैसे कि ना ये अपना अयोध्या हो गया, बराइच हो गया, और लखनऊ हो गया, अभी पता नहीं इसके बाद भी कहीं जाएंगे हम लोग घूमने के लिए। सो भैया बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिल के, भैया लोग भी हमारे टाइप के घूमने आए, देख रहे हैं, वैसे तो अभी टाइम हो गया, समझ रहे हो ना, टाइम नहीं रहता, तो भैया लोग के साथ काफी देर तक घूमते, अभी बंद होने का टाइम हो गया, हम लोग खुद जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, चले भैया चलो साथ में घूमते हैं। सो डियर गाइस ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को देख रहे हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है तुम्हारे भाई। सो गाइस ये चेक करो, ये पक्षी वगैरह रहे अंदर में, सार्स वगैरह रहे, समझ रहे हो ना, इधर भी अमेरिकन चिड़िया वगैरह। हाँ सो गाइस और आगे में चलो, इधर में ना बहुत सारी विदेशी चिड़िया वगैरह है, वो ऑटो वाले भैया बता रहे थे, पता नहीं क्या है, पर भाई मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, पास से लेने का मौका ही नहीं मिल रहा है, और दूर से आ नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे चिड़िया वगैरह है यहाँ पे तालाब में, एक सेकंड में चेक आउट गाइस, सामने देखो, सामने देखो ये सारे ना विदेशी चिड़िया, ये इंडियन नहीं है, देखो कितनी बड़ी बड़ी है, समुद्र में देखते होगे ये सब चिड़िया, उनको देखो कितने सारे हैं गाइस, समझ रहे हो। सो ठीक है, अबे ये सो गाइस अभी देखो, अभी तुम लोगों को क्या दिखा रहा हूँ, गेंडा दिखा रहा हूँ, जिनके ना चमड़ी से बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा। अच्छा दरियाई घोड़ा दिखा रहा हूँ भाई, सॉरी सॉरी, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा, देखो भाई कितना खतरनाक दिख रहा है, और ये देख रहे हो चिल्ला रहा है गाइस, यहाँ तक आवाज आ रहा, बहुत खूंखार दिख रहा, बहुत ज़्यादा डेंजर दिख रहा, समझ रहे हो ना, देख रहे हो गाइस, भाई फोटो लेना, फोटो मेरे को सेंड करना थंबनेल के लिए। तो गाइस देख रहे हो इतना मतलब खतरा दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी दिख रहा है, यहाँ पे कभी भी आना है ना तो सतर्क होकर रहना, यहाँ का ना समझ रहे हो ना, एक स्टाफ वगैरह को भी ये मार चुका है। तो ठीक है गाइस मेरे ना, ये देखो ये भालू है, भालू ना ये पार कर सकता है, इसलिए साइड साइड में ना गड्ढे बना रखे हैं, ताकि वो ना पार करने की ट्राई करेगा ना गड्ढे में गिर जाएगा, इसका ना चारों साइड गड्ढे है, बट उस साइड नहीं है, क्योंकि ना उस साइड से ना वो सब घर में रात को जाके इन लोग आराम वगैरह करते होंगे, सोने वोने का होगा, बाकी काफ़ी तगड़ा है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग ना आधा घंटा के लिए गाड़ी लिए हैं, एक्चुअली ना हम लोग ट्राई कर रहे थे ना दो तीन घंटा के लिए गाड़ी ले, पटना टाइम खत्म हो चुका है, समझ रहे हो ना, इसलिए ना अपने को आधा घंटा के लिए गाड़ी मिला, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, चलो आधा घंटा नहीं 45 मिनट भी करवा दो, तो बोले नहीं समय हो चुका है, फालतू आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अभी चेक करो एक चीज़, बढ़िया चीज़ चेक करा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली चीज़ है जो कि आजकल दुनिया में भाई नहीं मिलते, ये वो है क्या, गिद्ध है, देखो कितनी बड़ी बड़ी है भाई, रियली में मैं पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम, इससे पहले ना मैं उसमें देखा था, मतलब मूवी वगैरह फोटोज वगैरह में देखता था, अभी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, समझ रहा ना भाई, जूम करके तो नहीं आएगा, GoPro है भाई, जूम करके नहीं आएगा, बट काफ़ी तगड़ा भाई, दोनों के दोनों जिंदा है, देख रहा ना कैसे अपना पोजीशन में बैठे हुए हैं दोनों के दोनों, भाई खतरा भाई इनको भाई। अभी देखो अभी क्या चीज़ दिखा रहा हूँ, उधर गए थे ना मगर लोगों को देखने, तो उधर पानी में डूब गए थे, लेकिन ये ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल। अबे यार ये बिल्कुल मूर्ति टाइप के खड़े हैं, कोई भी इतना डुप्लीकेट समझ के इनके पास चल देगा। सो देख रहे हो गाइस, ये ऐसा लग रहा है ना भाई पत्थर का बनाया वाला है, देख रहे हो एकदम पोस मार के ना खड़ा हुआ है, इसके नाक में भाई कुछ हुआ है कि ऐसी रहता है नाक इसका। गाइस चेक करो अभी तुम्हारा भाई व्हाइट टाइगर देखने आया, देखो सामने व्हाइट टाइगर, जो कि ना इंडिया में छोड़ो वर्ल्ड में ही काफी ज्यादा कम बचे हैं, जो बचे हैं चिड़ियाघर में ही बचे हैं, जंगलों में रहे नहीं। ये देखो सामने में एक घूम रहा है, और एक वहाँ सामने सोया है, एक उस साइड में, समझ रहे हो ना। तो गाइस तुम्हारा भाई व्हाइट टाइगर फर्स्ट टाइम देख रहा है, तुम्हारे भाई का ना कब से था कि भाई व्हाइट टाइगर आगे।